नमस्ते, मैं हूँ सीमा, लाइफ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में। आज की तारीख में जो सबसे मुश्किल चीज़ हमें अचीव करने के लिए है लाइफ में, वो है हैप्पीनेस, यानी खुशी। अब हैप्पीनेस की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। किसी को कोई चीज़ में हैप्पीनेस मिलती है, किसी को किसी चीज़ में हैप्पीनेस मिलती है। पर अगर हम देखें एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो ये एक आदत होती है। आप कोई छोटी सी चीज़ में भी खुशी ढूंढ सकते हो और खुश हो सकते हो, और जैसे ही आपको कोई दुख या कोई सैडनेस आती है, आप अपने विचार को एक अच्छे थॉट पे लेके जा सकते हो और खुशी महसूस कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिससे हम अपने जीवन में खुशी को बढ़ा सकते हैं। नंबर वन है, आप अपने थॉट्स को बहुत पॉजिटिव जगह इन्वेस्ट करके रखिए। जब भी आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आए, तो कोशिश करिए उस नेगेटिव थॉट को आप पॉजिटिव साइड में ले जाइए। किसी के छोटे से बच्चे की स्माइल को देख के आप खुश हो सकते हैं, और वो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेके आएगी, शायद वो खरीदी भी नहीं जा सकती। तो ये हमें एक हैबिट बनानी चाहिए कि हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके, अगर हमारे अंदर कोई दुख हो रहा है, किसी को देख के जेलसी हो रही है, किसी को देख के हमें बदले की भावना आ रही है, तो हम उस जो हमारा थॉट है उसको बदलें। हैप्पीनेस डिपेंड करती है हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट के ऊपर, कि हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या है। हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या दुखी होने की है? हमारे अंदर जेलसी आती है किसी की तरक्की देख के, किसी की आगे जीवन में बढ़ते देख के, तो हमें उसको ब्लेस करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो जीवन में सफल हुए, ना कि हम उनसे जेलस होए। तो हमारा क्वालिटी ऑफ थॉट जैसे हम चेंज करेंगे, तो हमारा हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है ग्रैटिट्यूड। अब ग्रैटिट्यूड को इतना इम्पोर्टेंस, यानी हम दूसरों के लिए धन्यवाद का भाव रखें, ये इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? अब ओपरा विनफ्रे एक बारी कहीं बोल रही थी कि जब मैं सफल हुई, धीरे धीरे मैंने देखा कि मुझे, चाहे मैंने बहुत पैसा कमा लिया हो, बहुत सक्सेसफुल हो गई हूँ, मैंने कुछ भी किया, लेकिन मुझे वो हैप्पीनेस मिसिंग थी, मुझे कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे रही थी। तो अगर उसको हैप्पीनेस खुशी नहीं दे रही है, हैप्पीनेस यानी सफलता कोई खुशी नहीं दे रही है उसको, उसको जो पैसा कमा रही है वो खुशी नहीं दे रही है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुशी देगी उसको? इन्हीं चीज़ों के लिए तो हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। तो उसने एक आदत बनाई जर्नलाइजिंग की। रोज़ रात को 5 वो चीज़ों को लिखती, छोटे छोटे चीज़ों को लिखती जिसके लिए वो थैंक यू कर सकती थी। अगर किसी ने उसे एक ग्लास पानी का भी दिया, तो उसने उसको लिखना शुरू किया। तो धीरे धीरे उसने एक हैबिट बनाई कि वो उस हैप्पीनेस के अंदर जाए और उस हैप्पीनेस को महसूस करे, क्योंकि जर्नलाइजिंग जब हम करते हैं, तो वी गेट रियल, वी गेट कॉन्शियस टू द थिंग्स अराउंड अस, कि क्या हो रहा है हमारे पास, क्या हम इतने एब्सेंट हैं, क्या हम इतने डिमांडिंग हैं, क्या हम इतने नेगेटिव हो गए हैं कि हमें कुछ अच्छा किसी का करा हुआ दिखता ही नहीं है। सिर्फ हम मांगते रहते हैं कि हम प्रकृति से भी ले रहे हैं, हम कोई आ रहा है उससे भी ले रहे हैं, तो क्या हम धन्यवाद तो दे सकते हैं? तो ग्रैटिट्यूड जो है हमारे जीवन में खुशी लाने का बहुत बड़ा एक जरिया हो सकता है। तीसरी चीज़ हो सकती है गेट फिजिकल। आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, अपने आप को फिजिकली एंगेज रखिए, डोपामाइन को माइंड में रिलीज़ होने दीजिए, आपका स्ट्रेस गायब होगा। आप चाहे आधा घंटा करिए, हफ्ते में 3 दिन करिए, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके अंदर एक खुशी आती है, एक अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि सबको मालूम है, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। तो गेट फिजिकल, टू गेट फिजिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एक्सरसाइज करें, लेकिन ये आपके अंदर एक हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ाएगा। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ाना, कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कुछ बड़ी चीज़ होगी तभी खुशी होगी, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढ सकते हैं। और अब आता है एक्ट ऑफ काइंडनेस। हम छोटा सा भी काम कोई हमारे लिए कर दे, या हम कर दें उसके लिए, किसी को प्यासे को पानी पिला दें, किसी के लिए हम दवाई दे दें, तो ये छोटे छोटे से काम हैं, अगर हम एक्ट ऑफ काइंडनेस करेंगे। हमने देखा है जब हम दूसरे के लिए थोड़ा सा भी काम करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग तरीके की खुशी होती है। और जो ज़्यादा मांगते हैं, डिमांड करते हैं बाहर से चीज़ें, वो हमेशा सैड ही रहते हैं, ना खुशी रहते हैं। तो हमेशा आदत डालिए टू बी काइंड टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के लिए दयालु होइए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए। और उसके बाद सबसे बड़ा हैप्पीनेस का कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा हैप्पीनेस का कारण हमारे जीवन में हमारी जो सोसाइटी है उसको एक अपने जीवन का हिस्सा समझें।
वो हम उसको अगर हम परिवार समझेंगे, उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव थॉट सोच के रखेंगे, उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजेंगे, उसके लिए जो हो सकेगा करेंगे, तो वो हमें खुशी देगा। तो ये थी छोटी छोटी बातें कि हम अपने हैप्पीनेस क्वेश्चन को कैसे बढ़ाएं। अब एक और, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसके लिए वही बात है, हमें सब चीज़ों के लिए एफर्ट करना पड़ता है और कॉन्शियस होना पड़ता है। जब हम सजग हो जाते हैं चीज़ों के लिए, तो हमारे अंदर वो हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ जाता है। तो आप आज से प्रण करिए कि आप अपने अंदर हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ाएंगे, डोपामाइन को बढ़ाएंगे, दूसरों के लिए कुछ छोटा सा काम करेंगे। छोटा सा जैसे कोई काम करता है, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे और लिखेंगे कि आज मेरे जीवन में जो जो सुविधाएं हैं, अगर आज मेरे नल में पानी भी आ रहा है तो वो थैंकफुलनेस का कारण है। क्योंकि जिस दिन नल में पानी नहीं आता, तब हमें मालूम पड़ता है कि आज कितनी परेशानी है। तो हम भूल जाते हैं कितनी ही चीज़ें हैं। भगवान ने हमें अच्छा बिस्तर दिया है सोने को, बहुत सारी चीज़ें दी है। तो मैं तो सिर्फ 5 चीज़ों की बात कर रही हूँ कि आप लिखिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी है कि कैसे हम अपने अंदर हैप्पीनेस क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं इन छोटी छोटी बातों को करके। और फिर आपके थॉट्स तो इम्पॉर्टेंट हैं, कि हम कैसे थॉट्स चूज़ करते हैं। जैसे हम खाना चूज़ करते हैं कि हमें ये खाना है या ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो जो विचार हम ला रहे हैं या जो हम रिएक्शन देते हैं सिचुएशन को, वो भी हमें चूज़ करना चाहिए कि कौन सा विचार मेरे जीवन में मेरे लिए हेल्दी है, कौन सा विचार मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कौन सा विचार मेरे माइंड के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम थॉट्स को करेक्टली चूज़ करेंगे तो वी विल बी हैप्पी। सो दिस वॉज सीमा टॉकिंग टू यू अबाउट हैप्पीनेस क्वेश्चन इन लाइफ। एंड बिफोर आई साइन ऑफ, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।